all right uh, very good afternoon to all of you yes hi hi guys I hope you all are doing very very well we welcome you to the next class of cockroach this is lecture 2 on cockroach we had first class last week just cockroach ke study एंड मैंने तुम्हें बताया था ये मेरा फेवरेट इंसेक्ट बन चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे चैट में लिख के बताया था कि पढ़ने के बाद उनका भी ये धीरे धीरे फेवरेट इंसेक्ट बन रहा है सो वी हैव रेड अबाउट कॉकरोच लॉट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जनरल मोफोलोजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था एंड वी विल कॉन्टिन्यू द चैप्टर टूडे सो लेट्स वेट फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन इन जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस मज़ेदार लेक्चर को ज्वाइन कर सकें एंड टल एवरीबडी ज्वाइंट एन आई हैव समेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू ऑल गाइज चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे अपने अपने ग्रुप्स पे, जितने भी तुमने व्हाट्सएप पे अपने uh, ग्रुप्स बना रखे हैं एंड आई सी यू इन अ वाइल जल्दी से शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स पे जाके इसका गाइज हम आपके पास लेके आए हैं दो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स uh, सबसे पहला प्रोग्राम जिसके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूं दैट इज दिस एक्टिवेटर सीरीज विच वी आर स्टार्टिंग विच वी आर स्टार्टिंग ऑन आर गो प्रेप की एप तो आपको इंस्टॉल करनी है बस गोप्रप की ऐप और वहां पे फ्री क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एक्टिवेटर सीरीज ये प्रमेरली है इलेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट दोनों के एस्पायरेंट्स हैं ठीक है थीके? तो अपने अपने सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं देन आ, ये वन मंथ स्ट्रक्चर फ्री सीरीज है ऐप के लिए जिसमें कि हर सब्जेक्ट के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाए जाएंगे आपको तो बेसिक से शुरू करेंगे यानी कि क्लास इलेवेंथ में एंटर करने वाले स्टूडेंट्स जिनको जिन्होंने उस चैप्टर के बारे में कभी नहीं पढ़ा है या बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन है तो हम इलेवेंथ के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो आ, ये क्लासेस स्टार्ट होंगी आज से हो चुकी हैं स्टार्ट ठीक है start, आ, एक बजे से आज स्टार्ट हो चुकी है ये एक्टिविटी सीरीज फिजिक्स का लेक्चर हो चुका है केमिस्ट्री का हो चुका है बायोलॉजी का हो चुका है तो जो आज नहीं ज्वाइन कर पाए वो प्लीज कल से ज्वाइन कीजिएगा ठीक है इस एज आई सेड इस एक्टिवेटर सीरीज में हम हर सब्जेक्ट के दो लेक्चर्स दो चैप्टर्स स्टडी करेंगे खूब डिटेल में फॉर टाइम पीरियड ऑफ वन मंथ एक महीने में हम दो चैप्टर्स आपको करवाएंगे और जो भी चैप्टर्स चूज किए जाए किए गए हैं वो उस सब्जेक्ट का बेसिक चैप्टर है जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी के लिए बताऊं तो मैंने बायोलॉजी के लिए जुआलॉजी के लिए जो चैप्टर आप लोगों के लिए चूज़ किया है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेरी पिछली बार भी आप लोगों से बात हुई थी सबसे बात करने के बाद हमें ये पता लगा कि सब सबको टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आती है नॉट ओनली बिकॉज आपको टिश्यूज में प्रॉब्लम आती है बट ये चैप्टर ऐसा है जो आप हर चैप्टर में यूज करते हो लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेके एवोल्यूशन या कोई भी चैप्टर इवन एनिमल किंगडम हर चैप्टर में आपने पढ़ने हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं कैसे वो टिश्यूज डेवलप होते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और किस किस ऑर्गन में कौन कौन से सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो अगर आपने एक बार ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चैप्टर काम आने वाला है सो so, जोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टिश्यूज और कॉकरोच भी दोबारा ठीक है आज की क्लास में भी हम डिटेल्स करने लगे हैं कॉकरोच की और ये जो क्लासेस चलेंगी ये चलेंगी हमारी ऐप पे तो आपको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करनी है गो प्रेप की ऐप एंड वी हैव फ्री लेक्चर्स फॉर यू और हर दो क्लासेस के बाद इन दो क्लासेस में पढ़ाए गए लेक्चर के बेस पे होगा एक इंटरक्टिव क्विज ये चेक करने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है और कैसी चल रही है सो so गाइज ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आ सके और हमें क्विज का भी मज़ा आ सके हमें कॉम्पिटिशन मिल सके सो so, इसके अलावा हमारे पास है एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अगर आपको ढंग से डिटेल में पूरा सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं नीट के हिसाब से तो बैच टू स्टार्ट हो चुका है गायज सिक्स जुलाई को जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के तहत आपको हर लेक्चर हर चैप्टर करवाया जाएगा और हर चैप्टर के प्रॉपर डीपीपीज आपको मिलेंगे वीकली और मंथली टेस्ट होंगे और इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन होगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है ऑनलाइन है तो डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे आप उसी वक्त चार्ट में हमें मैसेज कर सकते हैं डाउट मैसेज कर सकते हैं एंड राइट एट देन एंड योर डाउट विल बी रिजोल्व सो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का प्रोग्राम दैट इज ऑन गोप्रेप ठीक है प्रेप आप नीट 2022 तो पहला बैच शुरू हो चुका है बहुत तेजी से स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं और बैच टू अब हमने शुरू किया है तो आप बहुत पीछे मत रह जाइएगा तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए ठीक है ताकि हम आराम से और तसल्ली से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन करवा सकें स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करवा सकें आ, विद ऑल दोज डी प्रैक्टिस पेपर्स एंड वी हैव क्विजेज इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन तो विद ऑल दिस प्रॉपर्टीज वी सीव इन दिस प्रोग्राम सो जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ uh, आज का लेक्चर यूट्यूब का ये आप uh, शेयर कर दीजिए लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से ताकि उनको भी कॉकरोच के मजेदार बातें जानने को मिले सो एम गिविंग यू वन मिनट जल्दी से जाके अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए and i'll see you in a while जल्दी से share कीजिए इसे अपने friends के साथ and we'll be soon starting with very soon starting with the next part of the chapter of cockroach us din humne study ki thi general morphology aur aaj hum padhne lage hain uska aage continuation जिसमें कि हमने मॉर्फोलॉजी में हेड रीजन का हमने आई स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने एंटेने का स्ट्रक्चर किया था आज हम स्टार्ट करेंगे माउथ पार्ट्स के साथ सो so, जल्दी से शेयर कीजिए इसका यूर अपने सब फ्रेंड्स के साथ एंड वील बी स्टार्टिंग विद कॉकरोच वेरी वेरी सुन चले प्लीज डोंट फर्गेट टू ज्वाइन फ्री क्लासेज एक्टिवेटर सीरीज फॉर क्लास इलेवन ज्वाइन तो यह कोई भी कर सकता है लाइक एनी वन कैन अटेंड जिसका भी यह टॉपिक टिश्यूज का वीक रहता है चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन आ चुका है हाई मौर्य सुषमा डॉ निकिता डॉक्टर निखिल डॉ प्रिया सुषमा देन मोहित डॉक्टर सान्या अंजलि ऑल राइट अनम ऑलरेडी ज्वाइन परफेक्ट अम सो आप पहले दिन से इस क्लास में आए हैं तो आपका कोई भी पार्ट रह नहीं जाएगा ठीक है हाय डॉक्टर निकिता ऋतु कैन आई कॉन्टेक्ट यू डोंट वरी आर टेक्निकल टीम विल गेट बैक टू यू टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज नामिका बीना मैम बिल्कुल गोप्रप के साथ ही है शीस टेकिंग हर क्लासेस सो यू कैन गो थ्रू द स्केड्यूल ठीक है तो जब भी उनकी क्लास हो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए दिव्यांशी अनामिका ओके सुषमा डॉली राजपूत आलिया आपका फेवरेट चैप्टर है कौन सा टिश्यूज का बिल्कुल ये फेवरेट चैप्टर भी है और ये सबसे बेसिक चैप्टर भी है लाइक ऐसा कोई चैप्टर बायोलॉजी में आपका नहीं आएगा चाहे वो इलेवंथ स्टैंडर्ड का हो या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जिसमें आपने सेल्स नहीं पढ़ने यू टॉकउट अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम और योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको हर जगह पे पढ़ना है कि कौन सा सेल कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है और क्यों वही टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है तो हर टिश्यू की प्रॉपर्टीज सो so, आई थिंक ये चैप्टर अगर हमने कर लिया तो हमारे बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं तो ये चैप्टर करने के बाद आपको हर चैप्टर में बहुत क्लियरली पता होगा लाइक मैं नाम लूंगी कि हाँ यहाँ पे कौन से सेल्स हैं यू विल बी सो श्योर कि यहाँ पे यही सेल हो सकता है और कोई सेल हो ही नहीं सकता तो इस चैप्टर की बार बार रिवीजन होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेकिन बेसिक तो यही चैप्टर बनाएगा इसलिए चूज किया गया है जियोलॉजी में ये वाला चैप्टर तो इसी तरह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और चैप्टर्स चूज किए गए हैं और ये आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यस यश गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन तो प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए एंड वील बी स्टार्टिंग वेरी सुन शुभ्रांशु वाई डू यू फील यू आर टू लेट वॉट आर यू टू लेट फॉर आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट गो प्रेप इज द बेस्ट इज येस इट इज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम बहुत जल्दी हेलो एवरी वन हेलो 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 वी आर एक्साइटेड टू लर्न यस इवन वी आर एक्साइटेड टू टीच यू ऑल थिंग्स, वी हैव प्लान फॉर जल्दी मिलेंगे तुम्हें एक्टिवेटर सीरीज में ठीक है और हर दो क्लासेस के बाद कंडक्ट करेंगे इंटरक्टिव क्विज इंटरटिव क्विज गाइस मेरा फेवरेट सेशन होता है लाइक like, बहुत ही फेवरेट ऑल राइट चलिए हाई कुलदीप अफरूक दिव्या थैंक यू दिव्या मेरा नाम नाम यही है दिस इज टीना चोपड़ा आई विल बी टेकिंग योर युलाजी क्लासेस और मेरा नाम हर चैनल पे सेम ही रहता है ठीक है यस शेख वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल राइट चलिए चलिए वील स्टार्ट विद जो है, वो कौन से किंगडम कौन से फाइलम को बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा है ऑर्डर डिक्ट्रा है और क्यों है वो इन क्लासेस और क्यों वो अपनी अपनी इस फाइलम या क्लास या ऑर्डर को बिलोंग करते हैं हमने जनरल फीचर्स देखे थे इसके बॉडी सेगमेंट देखे की द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट हेड थॉरिक्स एंड एबडमन Uh, और एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज में इनके हर एक रीजन में कितने कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जनरल मोफोलॉजी हमने पढ़नी शुरू की एंड दिस वाज द ब्यूटीफुल कॉकरोच दैट वी स्टार्टेड स्टार्टिंग तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि द कॉकरोच हैज़ थ्री सेगमेंट्स तो हेड है इसका नंबर वन सेगमेंट थॉरिक्स है नंबर टू एंड एबडमन है नंबर थ्री ठीक है और हेड की हमने डिटेल्स पढ़ने शुरू किए हुए हेड uh, हैज़ उथ इट हैज एंटनाज कंपाउंड आइज एंड ऑसे के ऊपर प्रेजेंट है टू पेयर एंड एब इज बोट शेब्ड एंड टेन सेगमेंट और इसके ऊपर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एनल सर्कल एंड एनल स्टाइल्स ठीक है तो आज हम कॉन्टिन्यू करेंगे विदिटेल्स ऑफ हेड रीजन हेड रीजन के बारे में तुम्हें बताया था कि हेड ऑफ कॉकरोच इज इट इज

रीजन है जहां पे एंडो और एक्सो दोनों स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं वैसे एंडो स्केलेटन इसमें खास डेवलप्ड है नहीं और एक्सो स्केलेटन किसका बना हुआ है गाइस इट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन और काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है जिसका मोनोमेरिक यूनिट है नाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइटन uh, का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा ठीक है चलिए एक्सोस्केलेटन के हमने प्लेट्स देखी थी कि पूरी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स प्रेजेंट है और इन प्लेट्स को कहा जाता है स्क्लेराइट्स ठीक है ये स्क्लेराइट्स जो है ये हेड थॉरिक्स और एब्डोमेन हर जगह पे प्रेजेंट है ठीक है और इन एक्सो इन स्क्लेराइट्स ने हेड में दी स्क्लेराइट्स आर एट इन नंबर इन द हेड रीजन ठीक है थॉरिक्स में ये थ्री है और एबडुमन में ये कितनी प्रेजेंट है ये अभी आप मुझे बताओगे देखो थॉरिक्स uh, के केस में अगर डोर्सल रीजन को ये कवर करती है तो वी कॉल देम टर्गाइड्स वेंट्रल रीजन में जो प्रेजेंट है वी कॉल देम स्टर्नाइड्स एंड लेटरल रीजन में जो प्रेजेंट है वी कॉल देम प्लूराइड्स ऑल राइट चलिए तो अब ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट एक सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं दिस तो ऑल राइट सो गाइज एवरीथिंग क्लियर हियर हेलो प्रशांत हाय हिमांशु हां जी तो जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं भी की थी वो यूट्यूब हमारा पिछला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं जहां पे मैंने बहुत डिटेल में ये सारी डिस्कशन की है सो दिस इज द द ऑफ प्रीवियस लेक्चर ठीक है और हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक एक आपके डोमिनल सेगमेंट के आसपास चार स्क्राइड प्रेजेंट होंगे ठीक है चलिए तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीआरटी में एक चीज मेंशन की हुई है अगर किसी को याद हो तो बताइएगा कि ये जो स्क्लेराइट्स है इन स्क्लेराइट्स को बॉडी के साथ अटैच कौन करता है कौन सी मेंब्रेन है जो इन स्क्लेराइट्स को जोड़ेगी बॉडी के साथ डनी वन नो दिस एनी वन हु नोस की इन स्क्लेराइट्स को बॉडी के साथ अटैच कौन करता है ये इट्स आर्थ्रोडियल मेंब्रेन आर्थ्रोडियल आर्थ्रोपोडा के नाम से आया आर्थ्रोडियल मेंब्रेन परफेक्ट डॉक्टर निकिता डॉक्टर अरुण आर्थ्रोडियल मेंब्रेन बोल देते हैं इसे या आर्टिकुलर मेब्रेन भी बोलते हैं आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना तो जो जोड़ेगा वो आर्टिकुलर है तो आर्थ्रोडियल मेंब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच करेगी इन स्क्लेराइड्स को बॉडी के साथ ये फ्लेक्सिबल मेंब्रेन होती है तो स्क्लेराइड्स आर वेरी हार्ड ये बॉडी को जिस जब जकड़ लेते हैं ना चारों साइड से तो बॉडी के लिए मूव करना भी मुश्किल हो जाता है सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा कॉकरोच का लेकिन बिकॉज दिस फ्लेक्सिबल सॉफ्ट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट So, प्रियांशी मैम आप सीरीज में क्लास इलेवन की क्यों नहीं पढ़ा रहे बिल्कुल पढ़ा रहे हैं यार, हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो सीरीज में चलेंगे लेकिन यूट्यूब पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठीक है धीरे धीरे हमारे सारे लेक्चर इसमें कवर होंगे बिल्कुल होंगे आप हमारी पुरानी भी देख सकते हैं क्लासेस सो so, बिल्कुल सीरीज में लेक्चर्स कवर हो रहे हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं हेड रीजन पे तो आई टोल्ड यू कि हेड हमारा हमारे कॉकरोच में जो हेड है दैट इज़ ट्राइंगुलर ठीक है दैट इज़ हाइपोगनेथस और वो बेंट होता है सो so, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि ये अगर कॉकरोच है तो ये इसका हेड है ठीक है इस तरह से इसका हेड होगा तो अगर मैं इसको आगे से ऐसे उठा दूं तो ये लगभग ट्राइंगर बनता है तो हेड जो है इसका पार्शली 90 डिग्री पे बेंट होता है टू तो द रेस्ट ऑफ द बॉडी और हेड के ऊपर प्रेजेंट है चार स्ट्रक्चर्स माउथ पार्ट्स कंपाउंड आईज ऑसिलर स्पॉट्स एंड एंटीना एंटीना का स्ट्रक्चर हमने कर लिया था दो है कॉकरोच के आगे वो जो दो पूछे घूम रही होती है तो वो जो हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड एंटीने और एंटने क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा के फाइलम को बिलोंग करता है तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है जॉइंटेड अपेंडिज इसके अंदर जितने ही अपेंडिज हैं चाहे वो लेग्स हैं चाहे वो एंटने हैं चाहे वो इनल सरकाय हैं दे बी ऑल फॉर्म ऑफ जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं गाइज पोडोमियर्स ठीक है किसी भी जॉइंट को बोल देते हैं पोडोमियर तो एंटने के अंदर जो पोडोमियर्स हैं दे आर नोन एज एंटीन्यूल्स और कितने एंटीन्यूल्स हैं 10 से 12 हमने जो मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एंटीने का काम क्या है एंटीने के ऊपर टच रिसेप्टर्स होते हैं या ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं तो बेसिकली एंटीने कॉकरोच की नाक है तो इस एंटीने की हेल्प से वो चलता चलता हवा में से फूड को लोकेट स्मेल कर रहा है ठीक है फूड को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है और अगर आप पंगे लेने लेते हैं और उसके कॉकरोच के जो ये एंटीने हैं उसको कभी टच करके देखें तो उसको पता लगता है वाई बिकॉज इट ऑल्सो बियज द टच रिसेप्टर्स तो ये हमने स्ट्रक्चर किया था एंटीने का ठीक yes, है यस इट हैज 10 टू 11 एंटीन्युल्स ये हैं इसके छोटे-छोटे एंटीन्युल्स सो दीज आर द एंटीन्युल्स व्हिच बेयर हेयर लाइक या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स एज़ वेल दीज आर द एंटीन्युल्स ठीक है जो सबसे बेस वाला एंटीन्युल है दिस इज नोन एज पेडिसिल ब्रॉडेस्ट लार्जेस्ट एंड इट इज एम्बेडेड इन द एंटेनरी सॉकेट यस किसने प्रियांशी ने टच करके देखा है एंटीने को तो प्रियांशी आई एम श्योर की उसको पता लगा होगा और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की होगी अः सुषमा मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पिछला लेक्चर है आई एम जस्ट रिकुलेटिंग इट अभी जब मैं नया लेक्चर शुरू करूंगी तो मैं बहुत तसली से करवाने वाली हूं देखिए उसके बाद हमने किया था कंपाउंड आय तो कंपाउंड आई हमने पढ़ी थी किडनी शेप्ड होती है इन केस ऑफ कॉकरोच ये देखो इसका जो हेड रीजन है उसका मोस्ट ऑफ द रीजन मोस्ट ऑफ द पार्ट मोस्ट ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्यूपाइड बाय कंपाउंड आईज और जैसे guys, हमारी आईज मूव करती हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनादर ऊपर नीचे इधर उधर इसकी आईज मूव नहीं करती इसलिए टर्म यूज की गई है ससाइल किडनी शेप्ड है ससाइल है लार्ज है यानी कि मैक्सिमम एरिया इज इज ऑक्यूपाइड बाय द कंपाउंड आई ठीक है और इसकी आई को कंपाउंड क्यों कहा गया है क्योंकि इसकी एक-एक आंख के अंदर होते हैं बहुत सारे लेंसस सो so, जो एक हेक्सागोनल यूनिट है ठीक है जो हेक्सागोनल यूनिट है कंपाउंड आई का दैट इज नोन एज ओमाटिडियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो अराउंड 2000 हेक्सागोनल सच यूनिट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल आई और 2000 ओमाटिडिया का मतलब है हर एक आई के अंदर 2000 इमेजेस बनना और हर एक इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मुजैक या सुपर पोजिशन या एपोजिशन विजन और क्योंकि रात को देखता है तो रात को देख पाने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन

लेकिन ये ऐसा नहीं देख पाता अगर यहाँ सामने से कॉकरोच खड़ा होकर एक क्राउड को देखेगा तो उसको सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नजर आएंगे सो इज लेस रेजोल्यूशन बट सेंसिटिविटी बहुत है ये प्रॉपर्टी जो हाई सेंसिटिविटी वाली है ना ये सब इंसेक्ट्स के लिए वैसे ट्रू है आप कभी भी मक्खी या मच्छर को पीछे से मारने की जब कोशिश करते हो तो पहले ही उड़ जाते हैं कैसे पता लगता है उनको एक तो आईज जो है वो टॉप ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होती है तो उनको थ्री डिग्री का अंदाजा लग रहा है राइट right? दूसरा थोड़ी सी माइनर मूवमेंट भी होगी तो उसको पता लगती है बिकॉज द आईज आर हाईली हाईली सेंसिटिव यस सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीआर टी ऑल राइट हाउस फ्लाई की आईज में भी बनती है क्या सुषमा uh, हर एक इंसेक्ट के अंदर जो ओमर का नंबर है दैट विल वेरी ठीक है हम कॉकरोच की आई की बात कर रहे हैं कि कॉकरोच की आई के अंदर टू थाउजेंड इमेजेस बनती हैं बट हाँ जो बेसिक है दैट इज सेम कि ओमाटीडिया विल बी प्रेजेंट लेस रेजोल्यूशन होगा एंड हाई सेंसिटिविटी होगी बट uh, जो नंबर ऑफ ओमाटीरिया है दैट विल वेरी फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट ऑल राइट ऑल राइट गाइज तो ये था हमारा रिविजन अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं माउथ पार्ट से तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के उसका नेचर क्या है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप यानी पहले ये चीज को बाइट करता है और फिर च्यू करता है ठीक है न माउथ पार्ट आर फाइव इन नंबर देखो कौन कौन से माउथ पार्ट हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ एनसीआर सो फर्स्ट माउथ पार्ट इज लेब्रम लेब्रम इज ऑल्सो नोन एज अपर लिप देन इट हैज दिस लोअर लेबियम सॉरी लोअर लिप नोन एज लेबियम लेबरम और लेबियम सिंगल है मैंडिबल और ये है मैगजिला ये पेयर्ड होते हैं मैंडिबल के ऊपर अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये इस तरह से सिरेशन प्रेजेंट है ये सिरेशन इसके दांत का काम करते हैं तो दीज आर नॉट कॉल्ड टीथ बट देर कॉल्डिकल टीथ लाइक दे विल हेल्प इन कटिंग द फूड तो ये जो बाइटिंग करनी है ये बाइटिंग कौन करेगा मैंडेबल करेगा बाइटिंग ऑरसो नोन एज कटिंग दिस इज डन बाय मैंडिबल और मैंडेबल के ऊपर प्रेजेंट है डेंटिकल्स एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ माउथ पार्ट इज हाइपोफेरिंग्स विच इज नथिंग बट द टंग सो यहाँ पे टंग की बैक साइड से यहाँ पे प्रेजेंट होती है सिलिवरी डक्ट यहां से सिलिवरी डक्ट की ओपनिंग आएगी और ये है इसकी टंग का पोर्शन ऑल राइट आई नॉट यूज रेड कलर ऑन द डार्क स्क्रीन मैंने यूज uh, किया था इसे वाइट पे चलिए तो माउथ पार्ट्स हमने पांच देख लिए वन इज लेबरम ठीक है labrum, दूसरा है लेबियम उसके बाद मैंबल जो कटिंग पार्ट है मैंडबल्स कट करेंगे और जो ये मैग्जिला तुम देख रहे हो मैग्जिला में ये जो मैग्जिलरी पैल्स हैं ये वाला है जो जिसको मैंने थोड़ा सा येलो शेड किया है ठीक है दी इज मैग्जिलरी पैल्स विल हेल्प इन होल्डिंग द फूड एंड पुटिंग इट इन द माउथ ठीक है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके टेस्ट रिसेप्ट भी मैंने आ, लेग आज हम लेग पढ़ेंगे मैंने आ, एक ओवरव्यू देते हुए तुम्हें बताया था कि कॉक्रोच की लेग के ऊपर भी एक खास चीज है जो किसी और के लेग के ऊपर नहीं है इसकी लेग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स तो ये चलता-चलता uh, फूड को भी टेस्ट कर सकता है तो एंटीने फूड को लोकेट करेंगे और ये चलता-चलता भागता-भागता फूड को टेस्ट भी कर लेता है बिकॉज़ लेग हैज टेस्ट रिसेप्टर्स एंड आल्सो द टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस मैक्सिलरी पैल्प्स एंड देन इट हैज दिस मैक्सिले यस एंड फिफ्थ is hypopharynx hypopharynx is the tongue so guys those of you who are in 11th standard must practice the diagram theek hai aapko draw karne ke liye bhi aa sakta hai aur baki ke students jo hain yani 11th ke ilawa 11th 12th aur dropper ye sab इसको आइडेंटिफाइज करना जरूर सीख लेंगे diagrams are very important आपको देख के पता लगना चाहिए कौन सा structure mandible है कौन सा labrum है labium है maxilla है या hypopharynx है so, दिस इज समथिंग अबाउट द माउथ पार्ट्स। चलिए अब हम आते हैं थॉरक्स पे इसका जो थोरिक्स है थोरेक्स भी इसका होता है ट्रायंगुलर. ट्रायंगुलर थोरेक्स है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स। हमने पढ़े थे प्रोथॉरिक्स मीजो एंड मेटाथोरिक्स प्रोथोरिक्स मीजो मिडल वाला एंड मेटा इज द हाइंड वाला सो दीज आर थ्री सेगमेंट्स और थॉरिक्स के ऊपर जो दो स्ट्रक्चर्स मेजरली प्रेजेंट हैं, वो हैं टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स सो कोई भी इंसेक्ट जो है इंसेक्टा का दूसरा नाम क्लास का हमने क्या पढ़ा था हेग्जापोडा हेग्जापोडा मीनस छह टांगों वाले ठीक है ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड दे मस्ट विंग्स बट कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं भी होती लेकिन ये जो कॉकरोच का ऑर्डर है दैट इज ऑर्थोप्ट्रा इट हैज टू पेयर ऑफ विंग्स और दोनों विंग्स डिफरेंट हैं। तो लेट्स सी uh, इसके विंग्स कौन कौन से हैं देखो नाउ uh, कॉकरोच के थॉरिक्स में तीन रीजन प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स राइट right? पहला क्वेश्चन कि इसके विंग्स कौन कौन से थॉरक्स थोरेसिक रीजन के ऊपर होंगे सो so, एक पेयर ऑफ विंग होगा मीजोथोरेसिक के ऊपर और दूसरा होगा मेटाथोरिक्स के ऊपर प्रोथोरक्स इज वन पार्ट ऑफ थोरिक्स वन सच पार्ट ऑफ थॉरिक्स जिसके ऊपर विंग प्रेजेंट नहीं होता प्रोथोरक्स नॉट हैव विंग नो विंग्स क्लियर सो मीजो थोरिक्स के ऊपर होंगे फोर विंग्स या फिर इसको मीजोथरेसिक विंग बोल सकते हैं या फिर इसको टेगमिना बोल सकते हैं या इलाइट्रा बोल सकते हैं आई एल गिव यू ऑल द नेम्स मीजो के ऊपर विंग या मीजोथोरेसिक विंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये या फिर इसके इसको हम इलाइट्रा बोलेंगे या टेगमिना बोलेंगे सो दीज आर फोर नेम्स फॉर द फोर विंग एंड देन मेटाथोरेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी मेटाथोरैक्स विल हैव हाइंड क्योंकि मेटाथोरक्स के ऊपर है दिस इज द फोर विंग जो इसके प्रो के ऊपर प्रेजेंट है एंड देन पीछे मेटा के ऊपर प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मीजो और मेटा का फंक्शन क्या है तो और इनमें से कौन सा विंग है जो कि फ्लाइट के लिए यूज किया जाता है yes कि इनमें से कौन सा विंग है फोर विंग या जो फ्लाइट के लिए यूज किया जाएगा ऑल राइट right. बिल्कुल साइमा कुछ कॉकरोचेस देखो कॉकरोच को आप कभी भी बर्ड्स की तरह उड़ते हुए नहीं देखोगे बट दे कैन ग्लाइड वो थोड़ा सा फ्लाई करते हैं ठीक है डॉक्टर निकिता सेज मीजोरेसिक प्रोटेक्टर होते हैं एंड जो मेटाथोरेसिक हैं वो फ्लाइंग पर्पज के लिए होते हैं right. uh, तो जो, जो एक्सलेंट डॉक्टर होते हैं दोटाथोरेसिक विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो मेटाथोरेसिक होंगे एंड वी हैव मेटा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट नो दे आर प्रोटेक्टिव जो कॉक्रोच आपको दिख रहा है ये जो बाहर की तरफ ये ब्राउन से कलर के आपको विंग्स नजर आ रहे हैं दीज विंग्स आर द फोर विंग्स और द मीजो थोरेसिक विंग्स जो कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो जो कॉक्रोच है वो इन विंग्स को ऊपर से हटाएगा और नीचे से इसके वाइटिश कलरलेस या मेम्ब्रेनस से विंग्स आएंगे जो कि फ्लाइट में यूज होते हैं ये जो विंग्स आपको नजर आ रहे हैं फोर विंग्स दिज आर हार्ड आर लेदरी दे आर ब्राउनिश ठीक है और इनका काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना और देखो कितने लंबे से हैं और ये पूरे एबडोमल रीजन को कवर करते हैं तो दे विल प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट्स द अंडरलाइनिंग मेटा विंग एज वेल एज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द एबडोम चलिए तो और डिफरेंसेस देखते हैं मीजोथोरक्स प्रोटेक्टिव तो पता लग ही गया ये फंक्शन हो गया इसका इसके अलावा जो मीजो है वो रेडिश ब्राउन है ये है, लेदरी है ठीक है एंड ये प्रेजेंट होता है मीजो के ऊपर ऑफ कोर्स और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मेटाथोरेसिक है ये फ्लाइट के लिए यूज होगा इसका कलर नहीं होगा दिस इज कलरलेस

ठीक है सो ये हमारे पास डिफ्रेंसेज हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फ्लाइट के लिए कौन से विंग्स जो है वो यूज किए जाते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इसकी लेग पे ना सी सी द स्ट्रक्चर हियर दिस इज द वेंट्रल व्यू यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेंट्रल व्यू ऑफ कॉकरोच क्योंकि इसकी जो लेग्स हैं वो अटैच्ड होंगी ऑन द वेंट्रल साइड सो लेट्स सी द वेंट्रल व्यू ऑफ कॉकरोच तो कॉकरोच के ऊपर जो लेग्स हैं लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द दसिक रीजन और मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर में पहला जो हमने मोर्फॉलोजी का स्ट्रक्चर बनाया था पहली क्लास में बताया था कि प्रोथोरक्स मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स तीनों के ऊपर प्रेजेंट होती हैं एक एक पेयर ऑफ लेग्स प्रोथोरेसिक लेग मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग और सारी की सारी जो लेग्स का स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेम जल्दी से रिवाइज करते हैं अपने पिछली क्लास का जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये देखो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था यहाँ पे कॉकरोच का सो हियर वी हैव है लेग मेटा के ऊपर मेटाथोरेसिक लेग एंड एज वी कैन सी हियर दैग्स आर ज्वाइंटेड दट इज वॉट दैट इज वॉट इट मीन बींग एन आर्थरो चले इसके बाद हम डिटेल्स देखते हैं आज ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच। तो लेग ऑफ कॉकरोच का फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज इट इज प्रेजेंट ऑन द रीजन एंड देर अटैच टू द बॉडी ऑन द वेंट्रल साइड फर्स्ट अटैच ऑन वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड पे अटैच नहीं होंगे सो वेंट्रल साइड पे अटैच है ये देखिए ये प्रो थोरासिक लेग जा रही है यहां से अटैच होके

इसके लेग्स ऑल द लेग्स आर सिमिलर ऑल लेग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन साइज वेरी करेगा बट स्ट्रक्चर इन सबका लेग्स का सिमिलर होगा नेक्स्ट पॉइंट अबाउट लेग्स इज कि इन लेग्स का फंक्शन क्या है तो अगर हम फंक्शन देखें तो लेग का फंक्शन नंबर वन इज फॉर वॉकिंग कोर्स घर में चलते फिरते दिख जाते हैं हमें कई बार रात को देन रनिंग एंड हमने बात की थी इसके जनरल हैबिट्स की कि जो कॉकरोचेस हैं दे आर फास्ट रनर्स कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द फास्ट रनर्स दर्गेनिजम्स हुआ हां जी कौन बताएगा जो ऑर्गेनिजम्स फास्ट रनर्स होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं डॉक्टर निकिता इज द फर्स्ट वन टू आंसर दे आर नोन एज करसोरियल एक्सिलेंट ऑल राइट तो दीज आर कर्सोरियल दे आर फास्ट रनर्स इसके अलावा मैंने अभी तुम्हें बताया कि लेग्स का एक बड़ा मजेदार सा काम है कि ये चलते चलते फूड टेस्ट कर लेते हैं सो यहां पे प्रेजेंट है टेस्ट रिसेप्टर्स सो दे हेल्प इन टेस्टिंग द फूड क्योंकि लेग्स के ऊपर प्रेजेंट है टेस्ट रिसेप्टर्स एंड द टर्म यूज फॉर टेस्ट रिसेप्टर्स इज गस्टेटो रिसेप्टर्स हमारे गस्टेटो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है टंग पे पैलेट पे ठीक है इनके गस्टेटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनके हाइपोफेरेंग्स पे और सॉरी इनके uh, मैग्जिला पे और प्रेजेंट है इनके लेग्स पे सो दैट्स वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कॉकरोच अब इनके डिटेल्स देखते हैं सो एज सेड ये आर्थ्रोपोडा है तो इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी अपेंडेजेस हैं दे बी ऑल जॉइंटेड सो लेग का पॉइंट नंबर वन इट इज जॉइंटेड और कितने जॉइंट्स हैं इट हैज फाइव सेगमेंट्स एंड फाइव सेगमेंट्स कौन से हैं अभी देखते हैं फाइव सेगमेंट्स के अंदर फर्दर सब सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स को मिला के इसके अंदर बनते हैं नाइन पोडोमियर्स सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच लेग इन मोर डिटेल ये देखिए ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज कॉग्जा

सो दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉग्जा यस यूर राइट डॉक्टर आरन टीबिया इज अ शॉक एब्सॉर्बर ठीक है सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉग्जा यहां नीचे छोटी सी रॉड लाइक ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है ये वाला जिसको हमने ट्रॉकैंटर लिखा है देन इसके आगे सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है लेग का दिस थिकेस्ट पार्ट इज कॉल्ड फीमर उसके बाद सबसे लंबा पार्ट लेग का दैट वुड बी एंड शॉक अ पार्ट दिस इज कॉल्ड टीबिया एंड देन इट हैज ये स्ट्रक्चर्स ये पांच स्ट्रक्चर्स मिलके बनाएंगे इसकी टार्सस दीज आर द फाइव पार्ट्स अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं देखो मैंने पिछली बार भी बताया था कोई भी स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बॉडी के पास है वो उतना प्रोक्सिमल है प्रोक्सिमल मीन्स द नियर टू द बॉडी राइट यस और जितना दूर है दैट इज कि अगर ये मेरी आम है तो आम में दिस पार्ट दिस पार्ट इज प्रोक्मल एंड दिस एंड इज डिस्टल फिंगर में भी अगर कंसिडर करें तो दिस पार्ट इज अवे फ्रॉम द बॉडी सो इट इज डिस्टल एंड दिस पार्ट इज नियर टू द बॉडी प्रोक्सिमल तो पहला क्वेश्चन कि लेग में प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है प्रोक्सिमल कि जहां से वो बॉडी के साथ अटैच होगा दैट पार्ट इज कॉग्जा दिस इज प्रोक्सिमल एंड एंड दिस इज द डिस्टल एंड यस ऑल राइट अब इनकी शेप देखते हैं कॉग्जा कैसा है ट्राइंगुलर है ये वो हिस्सा है जिसके साथ की लेग जो है वो थॉरिक्स के साथ अटैच होगी इट अटैच लेग टू दॉरिक्स देन ट्रोकैंटर इज अगेन ट्राइंगुलर एंड रॉड लाइक। फीमर इट इज द थिकेस्ट पार्ट ठीक है देन टीबिया इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्ट लाइक अ स्प्रिंग तो इसलिए शॉक एब्जॉर्बर है स्प्रिंग का काम होगा शॉक एब्जॉर्ब करना तो यह भी शॉक एब्जॉर्ब करेगी टीबिया और ये जो लास्ट पार्ट है द क्लियर सो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव और ओवरऑल अगर देखें तो पांच सो दिस इज वन सेगमेंट दिस इज टू सेगमेंट दिस इज थर्ड सेगमेंट fourth this is fifth sixth seventh eighth and ninth that is why i wrote it has nine podomeres now see इसके ये जो टार्सिस हैं अब चलने के लिए इसके पास एक और एडवांटेज है गाइस देखो इसके टार्सिस के इन जॉइंट्स पे यहां पे प्रेजेंट होते हैं एडहेसिव स्ट्रक्चर्स जो इसको चिपकने में हेल्प करेंगे जो इसको स्टिक ऑन करने में हेल्प करेंगे सो so ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं इन ब्लू एट द ज्वाइंट ऑफ इच टार्सोमियर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दिज आर कॉल्ड प्लांटलेर द एडहेसिव स्ट्रक्चर्स एडहेसिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लांटले जो इसका फिफ्थ टार्सोमियर होता है लेट्स तो जो फिफ्थ टार्सोमियर है वो कुछ ऐसा है दिस इज द फिफ्थ टार्सोमियर टो मेयर के आगे यहाँ पे प्रेजेंट हैं इसके क्लॉज सो आर द क्लॉज एंड इन क्लॉज के बीच में प्रेजेंट रहता है एक और एडहेसिव स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ दैट एडहेसिव स्ट्रक्चर इज एरोलियम। सो दिस एडहेसिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एरोलियम सो देखो एक ये एडहेसिव स्ट्रक्चर हो गया और एक आपने प्लांटले पढ़ लिये तो बाकी के जो आ, इसके टार्सोमियर्स है वहां पर प्रेजेंट है प्लांटुले, राइट और जो इसका लास्ट टार्सोमियर है दो क्लॉज के बीच में जो सबसे बड़ा इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज एरोलियम अब इनका फंक्शन देखिए सो फॉर वॉकिंग ऑन द रफ सरफेस रफ सरफेस पे चलने के लिए ये यूज करेगा अपने क्लॉज को और स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी अपने एडहेसिव स्ट्रक्चर्स की दैट इज एरोलियम एंड प्लांटुले ठीक है यस yes, एरोलियम का मतलब ही है बिटवीन द क्लॉज और बाकी के बीच में जो टार्सो टार्सोमियर्स के बीच में प्रेजेंट है दोज आर प्लांटुले तो जो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं दे विल हेल्प इट टू वॉक और रन ऑन द स्मूथ सरफेस वाइल ऑन द रफ सरफेस क्लॉज विल हेल्प इन लोकोमोशन ज अ स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच की लेग एंड एज वी है अब हम इसके एबडामिन पे सो एबन हमने पहले भी देखा कि एप्टोमिन जो है वो बोट शेप्ड है चलिए बोट शेप्ड है और इस बोट शेप के ऊपर प्रेजेंट हैं टेन सेगमेंट्स ठीक है और एबडमिन के ऊपर दो अपेंडिजेज आपको नजर आती हैं और वो दो अपेंडिजेज हैं इट बियस टू अपेंडिजेस वन इज एनल सर्कस इज सरकाय और दो हैं एनल स्टाइल्स ऑलरेडी डिस्कस्ट कि एनल स्टाइल्स आपने मुझे बताया था कि एनल स्टाइल्स सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर होंगी ओनली इन द मेल कॉकरोच वाइल दिस इज फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल सो so, यहीं से क्लियर हो जाता है हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है सेक्सुअल डायमोरफिज्म का गाइस व्हाट इज सेक्सुअल डायमोरफिज्म सेक्सुअल डायमोरफिज्म का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग द ऑर्गेनिज्म द टू सेक्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सो डायमोरफिज्म सेक्सुअल डायमोरफिज्म में एक फीचर जो है दैट इज एनल स्टाइल्स अगर एनल स्टाइल्स हैं तो वो मेल है अगर एनल स्टाइल्स नहीं है तो वो फीमेल है ठीक है इसके अलावा और भी हैं हमारे पास फीचर्स uh, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है बट दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स अभी हम फोकस करेंगे एबडमन पे चलिए एज सेड इट हैज एनल सरकाय तो ये देखिए एनल सरकाय जो है वो एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर है और ये एनल सर्कस प्रेजेंट होगा नाइन्थ स्टरनाइट पे ठीक है और देखिए एनल सरकाय जो है जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फिफ्टीन सेगमेंट्स ये अपने आप में एक क्वेश्चन है क्योंकि द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन एनल सरकाय इज फिक्स कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है फिफ्टीन सेगमेंट्स आर प्रेजेंट हियर ऑल राइट एनल सरकाय का फंक्शन क्या होता है एनल सरकाय का फंक्शन होता है सुनने का तो ये है कॉकरोच के कान तो सुनने में जो हेल्प करेंगे दीज आर ऑडियो रिसेप्टर्स सो ऑडियो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन एनल सरकाय एंड दीज आर कॉकरोच के ईयर्स ईयर्स तो होते नहीं है बट ये कॉकरोच के ईयर्स का काम कौन करेगा एनल सरकाय तो जैसे हमारे कान वाइब्रेशंस को uh, करते हैं सेंस करते हैं ऐसे ही कॉकरोच के जो एनल सरकाय हैं, वो साउंड एज वेल एज वाइब्रेशंस को सेंस करेंगे वाइब्रेशंस एंड साउंड वेव्स को सेंस करेंगे चलिए सो ये है एनल सरकाय तो कॉकरोच का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉकरोच, ये देखिए इसके बैक में ये मीडियन ग्रूव सो यहां पे यहां पे प्रेजेंट है इसके ये एनल सरकाय सो दीज आर द एनल सरकाय एंड एज सेड आर ज्वाइंटेड और कितने ज्वाइंट हैं इसके अंदर 15 सेगमेंट प्रेजेंट है 15 ज्वाइंट प्रेजेंट है और फंक्शन है इनका ऑडियो रिसेप्शन चले नेक्स्ट आते हैं एनल स्टाइल्स पे तो एनल स्टाइल्स एज सेड दीज आर दोली हैश टैग करेंगे ओनली अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज अनज्वाइंटेड इन कॉक्रोच ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेज इज अनज्वाइंटेड इन कॉक्रोच तो आपके पास चार ऑप्शन रहती है फर्स्ट ऑप्शन है आपकी लेग्स सेकेंड है एंटना थर्ड है एनल सरकाय एंड द फोर्थ वन इज एनल स्टाइल्स एंड जस्ट सेड इसमें आंसर रहेगा क्योंकि अनजॉइंटेड पूछा है ओनली अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर इज एनल स्टाइल्स सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कहाँ पे प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंथ स्टर नाइट तो आपको पता है टर क्या होते हैं स्टर्नाइट्स क्या होते हैं ठीक है सॉरी दिस इज प्रेजेंट ऑन द नाइन्थ टाइट वाइल द टेंथ स्टर्नाइट बहुत इंपॉर्टेंट ये टेंथ स्टर्नाइट पे प्रेजेंट है ऑल राइट right. और अनजॉइंटेड है तो ये प्रेजेंट है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली इन द मेल कॉकरोच इसका काम क्या है नॉ वॉट इज द फंक्शन It is a copulatory structure. It will help in opening the female o ovipositor. Helps in opening female ovipositor means egg laying structure. Opening female ovipositor for egg laying. Alright, so this is it. अबाउट द एनल स्टाइल एंड द एनल सरकाय और ये जो एनल स्टाइल्स हैं देखो कैसे प्रेजेंट होंगे एनल uh, सरकाय तो आपने देखा कि यहाँ पे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर स्टाइल्स कैसे होंगे एनल स्टाइल्स इस तरह से होंगे जस्ट लाइक दिस नो सेगमेंटेशन देपनिंग द फीमेल एग लेंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ पॉपुलेशन यस ऑल राइट सो दिस इज द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनल सरकाय एंड एनल स्टाइल्स अब हम आते हैं इसकी अनाटमी पे बट अनाटमी अब हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट क्लास वील बी रीडिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम वील टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम मेरा पर्सनली फेवरेट है सर्कुलेटरी देन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखेंगे कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किस तरह से कनेक्टेड रहता है तो इसकी डाइजेस्टन इसका एलिमेंट्री केनाल जो है वो सिर्फ खाना पचाएगा या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव ही नहीं करेगा बल्कि वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा वो यूरिक एसिड रिमूव करने में भी हेल्प करेगा कैसे करेगा वील सी दैट इन द कमिंग क्लासेज देन वी हैव नर्वस सिस्टम इट्स डेवलपमेंट रीप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं इन द कमिंग क्लास सो

सुधांशु फ्रॉग भी है क्या सिलेबस में सुधांशु फ्रॉग एंड अर्थवर्म वैसे सिलेबस से हटा दिए गए हैं लेकिन फ्रॉग और अर्थवर्म uh, की बहुत जनरल से क्वेश्चंस, यानी कि जैसे अर्थवर्म के वो क्वेश्चंस जो कि जनरल फीचर्स हैं एनालिडा के तो उस हिसाब से पूछे जा सकते हैं बट डिटेल्स ऑफ एनालिड अर्थ वर्म आर नॉट इन योर सिलेबस एंड सिमिलरली डिटेल्स ऑफ फ्रॉग आर नो मोर इन योर सिलेबस लेकिन एम्फीबियंस के क्या जनरल फीचर्स होते हैं तो वो एनिमल किंगडम में हम जरूर कर लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रिसाइजली हमें फ्रॉग और अर्थवर्म को नहीं पढ़ना है चलिए ऑल राइट मिंटी क्विज कब होगा मिंटी क्विज बहुत जल्दी होगा रितेश बहुत जल्दी होगा सो ये टॉपिक खत्म करते ही हम कंडक्ट करने वाले हैं मिंटी क्विज सो प्लीज अटेंड दीज लेक्स वेरी वेरी केयरफुली येस डॉक्टर प्रिया डेफिनेटली अर्थवर्म एंड फ्रॉग आर गिवेन इन योर एनसीआरटी सो यू कैन गो हैड फॉर द लेजर रीडिंग ठीक है लेकिन अदरवाइज सिलेबस में से उसको हटा दिया गया है ऑल राइट right. टिश्यू के टाइप नहीं पढ़ाओगे बिल्कुल पढ़ाएंगे प्रशांत एज आई सेड कि टिश्यूज के लिए हम स्पेशल लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया एक्टिवेटर सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी ऐप पे तो प्लीज इंस्टॉल दिस गो प्रेप ऐप और उसमें हम आपको और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी जिसपे हम और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट हो रही है एज सेड रोज सुबह दोपहर एक बजे से चार बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी एक एक घंटे की जिसमें कि हर सब्जेक्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स टिश्यूज की डिमांड कर रहे हैं तो मैंने चूज भी टिश्यूज का ही टॉपिक किया है तो वो हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेटर सीरीज में तो अभी आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं प्लीज बी वेरी रेगुलर विद दो क्लासेस इलेवेंथ स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं बट अफकोर्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड ड्रॉपर बैच कैन ऑल्सो अटेंड लेक्चर्स कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है राइट right? कि जिसकी वजह से हमारा भी पेपर क्लियर होना होता होता रह जाता है सो मेक श्योर कि वो जो भी कमियां हैं वो हम दूर कर दें ठीक है सो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स शेयर इट ऑन योर चैनल्स ऑन योर जितने भी सोशल मीडिया है एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दीज दीज एक्टिवेटर सीरीज सो दैट वी गेट मोर स्टूडेंट्स इन द ऐप और हम हर दो लेक्चर्स के बाद कंडक्ट करेंगे इंटरक्टिव क्विज और मिंटी क्विजेस भी होंगे जैसे कि आप पूछ रहे हो